दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में स्थापित दीनदयाल उपाध्याय शोध पीठ द्वारा गुरुवार को दीनदयाल उपाध्याय की जयंती को एकात्मा सप्ताह के रूप में शोध पीठ के सभागार में आयोजित किया गया। दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे एकात्मा सप्ताह के तीसरे दिन दीनदयाल उपाध्याय के विचारों पर स्लोगन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। स्लोगन प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं ने दीनदयाल उपाध्याय के विचारों पर स्लोगन प्रतियोगिता में शामिल हुए और स्लोगन लिखे। इस मौके पर विश्वविद्यालय के अध्यापकगण डॉक्टर मनोज कुमार तिवारी, डॉक्टर प्रदीप कुमार साहनी, डॉक्टर पवन कुमार और दीनदयाल उपाध्याय शोधपीठ के निदेशक संजीत कुमार गुप्ता सहित बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए दीनदयाल उपाध्याय शोधपीठ के निदेशक संजीत कुमार गुप्ता ने कहा, जैसा कि ये सबको विदित ही है, ये हम लोग जो है दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती को लेकर एकात्मता सप्ताह मना रहे हैं। उसके आज इस सप्ताह के तीसरे दिन स्लोगन प्रतियोगिता रखी गई है। यहाँ पर जो विश्वविद्यालय के छात्र और छात्राएं हैं वो दीनदयाल जी के बहुत सारे विषय, चाहे वो ग्रामीण विकास का हो, चाहे वो कृषि विकास का हो, चाहे पर्यावरण विकास का हो, चाहे मानव विकास का हो, चाहे संपूर्ण मानवता का हो, आर्थिक कल्याण का हो, ये सारे विषय लेकर स्लोगन छोटे छोटे एक कथन बनाए हुए हैं, उसको लेकर आज यहाँ आए हुए हैं और वह उसको दर्ज करके और हम लोगों का यह प्रयास रहेगा कि उसमें से जो बेहतर मतलब जिनका स्लोगन होगा एक समिति बनाएंगे जो कि यह देखेगा कि कौन सा स्लोगन बहुत टचिंग यानी जो बहुत संवेदना से भरा हो और सीधे आसानी से समझ में आ जाता हो, ऐसे इस लोगों को हम पुरस्कृत भी करने वाले हैं। तो आज यहाँ दीनदयाल उपाध्याय गौरव विश्वविद्यालय के बच्चे स्लोगन प्रतियोगिता के लिए एकत्र हुए हैं और आज ये तीसरा दिन सप्ताह का है।